नहीं, 2017 का बजट हमें लगता है कि एक तो हमारे जो अभी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको ऐसे अलाइन करेगा कि जीएसटी आने में ज़्यादा दिक्कतें ना हों, और दूसरी चीज़ जो जहाँ डायरेक्ट टैक्स फ्रंट है उसमें हमें लगता है कि उसमें एक जनरल रिडक्शन आएगा, क्योंकि इस बार हमारा जो टैक्स कंप्लायंस है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। अभी हमने देखा है FM ने अपनी फिगर दी थी इनडायरेक्ट टैक्स की, वो भी इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो पिछले क्वार्टर में काफ़ी बढ़ के आया है, तो जो डीमोनेटाइजेशन के पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं वो काफ़ी विजिबल होंगे। GST आने के बाद हमारा जो है पैरेलल इकॉनमी जो है ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो जाएगी, टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाएंगे, तो इसका थोड़ा फ़ायदा जनरल टैक्स रिडक्शन में भी होगा। जहाँ तक एक्सपोर्ट सेक्टर का सवाल है, वहाँ हम लोग ने किया हुआ है कि हमारा जो मर्चेंट एक्सपोर्टर है उसको अभी इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलता, जिससे उसकी कॉस्ट काफ़ी बढ़ी रहती है, तो उसको इस स्कीम में कवर करना चाहिए। दूसरी चीज़ हम लोगों ने बोला है कि हमारा एक एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड होना चाहिए, क्योंकि हमारा फोकस एक्सपोर्ट मार्केटिंग में होना चाहिए, तो एक एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड जो होगा 0.5% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट का अगर बनाया जाएगा तो इससे इंडिया के जो स्मॉल एंड मीडियम एक्सपोर्टर हैं उनको ओवरसीज मार्केट में एग्रेसिव मार्केट करने के लिए फ़ायदा होगा। तीसरी चीज़ हम लोगों ने कहा है जो कि गवर्नमेंट की स्कीम क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम है MSME सेक्टर के लिए, उसकी लिमिट हमने बढ़ाने के लिए बात की है कि उसकी लिमिट 1 करोड़ से बढ़ा के उसको 2 करोड़ कर दिया जाए, और उसमें जो 15% सपोर्ट है उसको 25% किया जाए, क्योंकि टेक्नोलॉजी की बहुत ज़रूरत है। जो वर्ल्ड हमारा है वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, और जो स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज़ हैं उनको अगर टेक्नोलॉजी में सपोर्ट दिया जाएगा तो ये बजट की तरफ से एक बहुत अच्छा कदम होगा।